दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली और आसपास के कई क्षेत्रों में लोगों ने इसे महसूस किया। जानकारी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई है। इसका केंद्र अफगानिस्तान के पास बताया जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। हालांकि दिल्ली में अभी तक भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप के कारण कुछ जगहों पर लोगों के बीच दहशत फैल गई है और लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में भी तेज झटके महसूस किए गए। सिस्मोलॉजी विभाग के मुताबिक रात 10:17 पर काला फगन अफगानिस्तान से 90 किलोमीटर की दूरी पर ये झटके बहुत तेजी के साथ महसूस किए गए। भूकंप के दौरान जितना हो सुरक्षित रहें। ध्यान रखें कि कुछ भूकंप वास्तव में भूकंप से पहले के झटके होते हैं और बड़ा भूकंप कुछ देर में आ सकता है। अपनी हलचल एकदम कम कर दें और नजदीकी सुरक्षित स्थान तक पहुंचें। तब तक घर के अंदर रहें जब तक कि भूकंप बंद ना हो जाए और आप सुनिश्चित हो कि अब बाहर निकलना सुरक्षित है। इस साल तीसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग सहम गए हैं, घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। कई जगह तो लोगों के बीच में भगदड़ जैसे हालात बन गए। लिफ्ट के जरिए नीचे उतरने के लिए होड़ मच गई। झटके काफी देर तक महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई है। भूकंप के झटके भारत के साथ साथ पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन में भी महसूस किए गए। ये झटका करीब 10:17 पर महसूस किया गया।